पूरे उपद्रव, पूरे अराजकता, पूरे आगजनी, पूरे बलबे के पीछे विशेष तौर से पीएफआई का ही हाथ था। हमने रिकमेंड किया है कि पीएफआई को बैन किया जाए। Government is demanding a ban on PFI, and the government has asked all the agencies to check the funding of Islamist organizations. नहीं, वो बिल्कुल सही है। PFI की बहुत भूमिका आ रही है सामने में, तो होम मिनिस्ट्री इस बारे में सबूत देकर तय करेगा। उनके खिलाफ बहुत मर्डर और किडनैपिंग के आरोप हैं, वो उनका और सिमी का अंतरंग संबंध है, लेकिन इस बारे में कुछ भी निर्णय होम विभाग के द्वारा किया जाएगा। जो CAA है, कब से इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा, इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, क्योंकि लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इसको राष्ट्रपति के द्वारा। अब ठीक है, अब वो तो उसका एक गजट नोटिफिकेशन होगा, आपको पता ही है। और आपसे हम बिल्कुल कहते हैं कि इस पर कोई चर्चा करना चाहता है तो हमने भी कहा, जो 3 क्लॉज का कानूनी है, जो किसी भारतीय पर लागू नहीं होता, न किसी की नागरिकता लेता है, न किसी की छीनता है, न देता भी है, ये तो बिल्कुल उन शरणार्थियों पर लागू होता है जो अपने उपासना पद्धति कारण पीड़ित होकर निकले हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। सर, कई राज्य जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे। आप तो मैंने बहुत विस्तार से बता दिया संवैधानिक दायित्व क्या है, मैंने बता दिया। सर, आपने 256 की बात की, संविधान में ये भी है कि जो राज्य सरकार भारत के संविधान का पालन नहीं करेगा संवैधानिक दायित्वों का, वो 352, 356, 360 है। आज के दिन मैंने संवैधानिक प्रावधानों को बड़ी विनम्रता से उन प्रदेश गवर्नमेंट को बताया है। कल मैंने अपने तिरुवनंतपुरम की प्रेस में भी कहा था कि किसी सदन को संसद के द्वारा पारित कानून के खिलाफ कानून पारित करने का अधिकार ही नहीं है, ये मैंने साफ बताया। सिमी ने एक तरह से अवतार धारण किया और पूरे उपद्रव, पूरे अराजकता, पूरे आगजनी, पूरे बलबे के पीछे विशेष तौर से पीएफआई का ही हाथ था, और उसकी जांच का के माध्यम से सच भी सामने आ रहा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिमी किसी भी रूप में अगर प्रकट होगा तो उसे कुचल दिया जाएगा, इस प्रदेश में, देश में किसी भी प्रकार का देशद्रोही आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका प्रस्ताव चल रहा है और निश्चित तौर से ऐसे संगठनों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है, प्रतिबंधित किया जाए। बीते दिनों जो सीए एनआरसी को लेकर जो प्रदर्शन हुए थे, पीएफआई कहा जाता था, तो पीएफआई को बैन करने को लेकर कोई लेटर आपने लिखा या क्या? यह हमने रिकमेंड किया है कि पीएफआई को बैन किया जाए, ये रिकमेंडेशंस हम गृह मंत्रालय को भेजेंगे और उस पर कार्रवाई की अपेक्षा करेंगे।